हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के सबसे पहले सुपर हीरो के बारे में, शक्तिमान के बारे में, जिसका इम्पैक्ट 90s किड्स पर उस टाइम से लेकर आज तक है। शक्तिमान जो शो था वो एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज टीवी शो था और ये एयर हुआ दूरदर्शन चैनल पर 1997 से लेकर 2005 तक। और इस बीच ही इतना पॉपुलर ये शो हुआ कि बच्चे तो बच्चे, उनके पेरेंट्स भी इसे बहुत पसंद करते थे। और जिस टाइम स्लॉट में ये आता था, अगर उस टाइम स्लॉट में कोई और शो आता तो इसकी पॉपुलैरिटी ज़रूर उसके लिए प्रॉब्लम मत थी और उस शो को बहुत मेहनत करनी पड़ती टीआरपी के लिए। मुकेश खन्ना सर इस शो के प्रोड्यूसर थे और वही लीड एक्टर भी थे। और उन्होंने इससे पहले भीष्म पितामह का भी रोल किया था महाभारत कथा में, तो इसलिए भी जो एल्डर्स थे उनके मन में बहुत पॉजिटिव इमेज थी सर की पहले से ही। और फिर शक्तिमान शो भी बच्चों को हमेशा ही बहुत अच्छी बातें ही सिखाई हैं इस शो ने, तो पेरेंट्स को भी एक सेटिस्फैक्शन होता था कि बच्चे जो भी देख रहे हैं वो सही ही देख रहे हैं। तो अब जिन्होंने ये शो बिल्कुल शुरू से आखिर तक देखा है उनके आगे सब कुछ फ्लैशबैक की तरह आ रहा होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ। तो शुरुआत कहाँ से होती है स्टोरी की, कि 7 ऋषियों का एक ग्रुप है जिनको सब सूर्यांशी कहते हैं। वो एक इंसान को चुनते हैं जो कि दुनिया में बढ़ती हुई बुराई जो है उसे टैकल कर सके, उसे ख़त्म कर सके। और वही सिखाते हैं शक्तिमान को कि अपनी बॉडी के जो 7 मेन एनर्जी पॉइंट्स हैं उन्हें एक्टिव किस तरह से करना है। और शक्तिमान ही सीखता है कुंडलिनी योग से। और इसी ट्रेनिंग में वो अपनी बॉडी को सैक्रिफिशियल फायर में, मतलब कि यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर देता है। तो क्या हमारे हीरो का दी एंड भी हो गया? नहीं, बल्कि यहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि यहीं से उसे मिलती है अपनी पावर्स और उन पर कंट्रोल। और साथ में 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर पर भी कंट्रोल मिलता है, जो होते हैं अर्थ, एयर, स्पेस, वाटर एंड फायर। और यहीं से वो प्लेज लेता है कि वो दुनिया से बुराई खत्म करके ही दम लेगा। पर शक्तिमान को उसकी पावर्स मिलती कहाँ से हैं? तो शक्तिमान को उसकी पावर उसकी बॉडी के 7 चक्रों से मिलती है। इन एनर्जी पॉइंट्स के बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में। तो शक्तिमान की पावर्स को बहुत एडवांस दिखाया है हमारी सोच से। और बच्चे जब देखते होंगे छोटी एज में इस शो को, तो वो समझते भी नहीं होंगे कितना पावरफुल उनके सुपर हीरो को दिखाया जा रहा है। लेकिन हर सुपर हीरो की तरह हमारे हीरो की भी एक कमज़ोरी है, जिसके प्रेजेंस में वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। और इस कमज़ोरी का नाम है पाप पंच। तो अगर आपने ये शो देखा है तो आपको पहले ही पता होगा ये सब क्या है, लेकिन अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सूर्यांशियों के एक महागुरु हैं उनका नाम है श्री सत्य। और उनके पास एक शक्तिपुंज होता है जो कि पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ और बहुत पावरफुल होता है। लेकिन उनका एक जो स्टूडेंट है वज्रबाहु नाम का, वो ये चाहता है कि ये उसके पास हो ताकि सबसे डोमिनेंट वो बन सके। लेकिन श्री सत्य को ये पता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन्हें ये भी पता है कि भले ही वज्रबाहु उनका डिसाइपल बनकर रहता हो, लेकिन उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। और इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये शक्तिपुंज जो इतना पावरफुल है ये किसी भी बुरे इंसान के हाथों में पड़े। पर अब शेर के मुंह खून लग चुका है और उसे पावर के लिए किसी भी तरह से ये शक्तिपुंज चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये सब बातें तो शक्तिपुंज के बारे में, फिर ये पाप पुंज क्या चीज़ है? तो एक बार क्या होता है कि वज्रबाहु अपने गुरु श्री सत्य से इस शक्तिपुंज को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों में छिनाझपटी होती है और शक्तिपुंज के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिनमें से एक को लेकर वज्रबाहु भाग जाता है। और शक्तिपुंज की खासियत ये है कि वो जिस तरह की एनर्जी के कॉन्टैक्ट में रहता है उसका नेचर वही बन जाता है। तो अब वज्रबाहु जो बाद में ट्रांसफॉर्म होकर तमराज किलविश बन जाता है, जो हमारी पूरी स्टोरी का मेन विलन है, उसकी नेगेटिव एनर्जी के साथ रहते रहते जो पॉजिटिव शक्तिपुंज था अब वो बन जाता है पाप पुंज, फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, जो हमारे हीरो की कमजोरी भी है। तमराज का मतलब है, तम का मतलब है अंधेरा और राज का मतलब है किंग। तो तमराज किलविश हुआ किंग ऑफ डार्कनेस, जो 6,000 सालों से जिंदा है दुनिया में ईविल को बढ़ाते रहने के लिए। आपने एक डायलॉग सुना होगा, अंधेरा कायम रहे। ये डायलॉग किलविश का ही बहुत फेमस डायलॉग है। अब उसका अंधेरा कायम कब तक रहा ये तो वही जाने। किलविश को जो उसकी पावर्स मिलती है वो मिलती है लोगों के मन में जितना हेट होता है उससे, ईविल से और हर चीज से जो पॉजिटिविटी के अगेंस्ट काम करती हो। और मिस्टर किलविश का एक पर्सनल असिस्टेंट भी है, उसका नाम है डॉक्टर जैकॉल। डॉक्टर जैकॉल एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और क्लोनिंग एक्सपर्ट भी है, बहुत सारे क्लोन्स बनाए हैं उसने। लेकिन अगर वो इतना ही एक्सपर्ट था, इतना ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है वो, तो उसने किलविश के लिए काम करना शुरू क्यों किया? तो डॉक्टर जैकॉल अपनी लाइफ के अर्ली फेज में बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे आ गए कि अपनी लाइफ उसने रॉन्ग ट्रैक पर मोड़ दी। क्योंकि जब उसे अपने रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप चाहिए थी तब उसे नहीं मिलती और उसके पास कोई होप बाकी नहीं था, तब उसे किलविश मिलता है और डूबते को तिनके के सहारे की तरह उसको सपोर्ट देता है, उसे फंड्स प्रोवाइड करवाता है, उसे लैब देता है और बदले में जैकॉल किलविश का वफादार बन जाता है। यही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब लोग सिस्टम से नाराज हो जाते हैं। जैकॉल ने बच्चों को टारगेट करने के लिए बहुत सारे क्लोन्स बनाए, जैसे कि कीटाणु मैन, लाइट मैन, जोंग जोंग का और केकड़ा मैन, और ऐसे बहुत सारे बनाए।
अब किल्विश और जैकॉल तो चाहते हैं कि बच्चे डिरेल होकर रॉन्ग ट्रैक फॉलो करें, लेकिन इसके अपोजिट शक्तिमान बच्चों को डिसिप्लिन में रहने के लेसन सिखाता है। तो इसीलिए जो हमारा हीरो है वो किल्विश के लिए विलन है, और क्योंकि वो हमेशा बच्चों को टारगेट बनने से बचा लेता है इसीलिए किल्विश बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहता है। तो क्या शक्तिमान वो कुछ नहीं करता, बस ये नेगेटिव कैरेक्टर्स और क्लोन्स आते रहते हैं और वो लड़ता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। शक्तिमान बाकी टाइम अपने ऑल्टर ईगो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता है, जहाँ उसका नाम बाकी सबके लिए पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री है, और शास्त्री जी एक फोटोग्राफर की जॉब करते हैं एक न्यूज़पेपर आज की आवाज़ के लिए। और गंगाधर की एक कोलीग भी है जिसका नाम है गीता विश्वास, वो आज की आवाज़ के लिए रिपोर्टर का काम करती है, और पहली बार शक्तिमान को शक्तिमान नाम भी उसी ने दिया था। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं सीक्रेटली, लेकिन अब तक गीता को पता नहीं कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। वैसे उसे दो बार पता भी चल चुका है, लेकिन शक्तिमान के लिए कौन सी बड़ी बात है किसी की मेमोरी में से कोई बात मिटाना। आपने हैरी पॉटर के स्पेल्स में ऑब्लिविएट सुना होगा, स्मृति विरूपम सिर्फ एक स्पेल बोलने की देर है और सब कुछ वैनिश हो जाता है, लेकिन तीसरी बार जब उसे पता चलता है तो वो प्रॉमिस करते हैं कि शक्तिमान की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करेगी। तो अब सिर्फ शक्तिमान की लवर ही ये जानती है कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो ये थी शो की हल्की सी बैकग्राउंड स्टोरी, ताकि आप समझ सके आगे वीडियो में कि चल क्या रहा है ये सब। अगर आपने मेरे चैनल पर दो बार वीडियोस देख चुकी हैं, तो इसको एक मैसेज जरूर समझें कि पूरी कायनात चाह रही है कि आप इस सब्सक्राइब का बटन क्लिक जरूर करें। अब जरा ये देखते हैं कि ये सुपर हीरो चीज क्या होती है और कहां से इस जॉनर की एंट्री हुई, पहले वर्ल्ड में और फिर हमारे इंडिया में भी। वैसे तो वर्ल्ड वॉर्स के रिजल्ट्स कुछ भी अच्छे नहीं हुए, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एक चीज इंडिया के लिए बड़ी अच्छी हुई कि 1959 के बाद से इंडिया में टीवी का यूज शुरू हो गया था, और टीवी के आने से अब किसी भी इन्फॉर्मेशन का एक जगह से कहीं दूसरी जगह पहुंचना बहुत आसान बात हो गई है। कि एक कोने में दुनिया के कोई एक इंसान कोई नई इनोवेशन करता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ गलत भी अगर करता है, तो वो चीज़ दूसरे किसी कोने में बैठे हुए इंसान के टीवी पर सबको दिख जाना बहुत छोटी बात रह गई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और इसी टीवी की हेल्प से टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन और नए नए टैलेंट्स को सामने आने का मौका मिल जाता है। पहले सब टीवी को एक एडिड बॉक्स मानते थे, लेकिन शक्तिमान के आते ही एडिड बॉक्स एक मैजिक बॉक्स बन गया बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि पहले के जो शोज थे वो सब बनते थे एल्डर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए, बच्चों के लिए कोई खास शो था ही नहीं, लेकिन शक्तिमान के आते ही बच्चों को भी कोई अपना सा मिल गया था। उस टाइम इस टेलीविजन के आने से बहुत लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में एक और फील्ड जुड़ चुका था, और देखते देखते टीवी इंडस्ट्री ने आर्ट टेक्नोलॉजी साथ में इकोनॉमी का फ्यूजन तैयार कर दिया। कहते हैं कि त्रेता में राम, द्वापर में घनश्याम, और अब कलयुग में कल्कि महाराज आएंगे। लेकिन जब टीवी पर शक्तिमान शो आया तो बच्चों को लगा कोई नया अवतार धरती पे आ गया हो जैसे। वैसे भी लैंड ऑफ माइथोलॉजी रहा है इंडिया हमेशा से ही, और अपने सुपर हीरोज को तो यहाँ हम हमेशा से ही पूछते रहे हैं। और इस सीरीज में दूरदर्शन ने एक सुपर हीरो जॉनर का टीवी शो बनाया और थाली में रखकर इंडियन ऑडियंस को दे दिया। अब ये सुपर हीरो होता कौन है? तो सुपर हीरो का जो कंसेप्ट है वो पहली बार जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था, और वहाँ से इसकी पॉपुलैरिटी जंगल में आग की स्पीड से फैल गई बिल्कुल। एक सुपर हीरो जो होता है वो आपके और मेरी तरह ह्यूमन ही होता है, लेकिन सुपर ह्यूमन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स उसके पास होती हैं, और अपनी पूरी लाइफ वो एक काम को डेडिकेट कर देता है अपने फेलो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका जो कैरेक्टर है उसमें कई चीज़ें होती हैं जो ये दिखाती हैं कि वो एक सुपर ह्यूमन है और हमारी तरह नॉर्मल इंसान नहीं है। जैसे उनके स्पेशल कॉस्ट्यूम, उनके स्पेशल पावर्स, और कभी कभी कोई इक्विपमेंट होता है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका के पास उसकी शील्ड है, थॉर के पास उसका हैमर है म्योलनर, और आयरन मैन के पास सूट है। तो ये जो इनके कॉस्ट्यूम्स हैं, जो ये इक्विपमेंट्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं इनमें डिस्टिंग्विश करने में और ये पहचानने में कि ये नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सकता। और हमारे सुपर हीरोज जो है अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं कभी डे टू डे क्राइम को टैकल करने के लिए, कभी किसी इररेगुलर थ्रेट का सामना भी करना पड़ता है उन्हें, जैसे कोई डिमोनिक क्रिएचर, कोई एलियन, कोई कंट्री की वॉर। जैसे कैप्टन अमेरिका जो कैरेक्टर है, इसका क्रिएशन भी इस टाइम पर ही हुआ था 1940s में, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर अपनी कंट्री में लोगों में पैट्रियोटिक फीलिंग को मजबूत रखने के लिए क्रिएशन किया गया था उसका। वर्ल्ड वॉर्स को हम कभी और डिस्कस करेंगे, फिलहाल वर्ल्ड वॉर सेकंड का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर इन्वेड कर दिया था, और इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी के साथ एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी, और धीरे धीरे यही वॉर वर्ल्ड वॉर सेकंड में चेंज हो गई, जो सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945 तक चलती रही थी। अब वॉर है तो दो साइड से ही होगी, तो एक तरफ से एक्सिस पावर, एक तरफ है अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स में थे यूके, यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना, और एक तरफ थे एक्सिस पावर जिसमें थे जर्मनी, इटली और जापान। और तब दिखाते हैं कैप्टन अमेरिका को अलाइड पावर को वर्ल्ड वॉर जिताने के लिए एक्सिस पावर से लड़ते हुए। अब हो ना हो हर सुपर हीरो का एक ऑल टाइम फेवरेट दुश्मन जरूर होता है, दुनिया पर जिसे कब्जा करना है, लेकिन हमारे हीरो बेचारे को रोकते ही रहते हैं, उसे कुछ करने ही नहीं देते। ये सुपर हीरो जॉनर जो है सबसे कॉमन है ये अमेरिकन सोसाइटी में, और जो एक्टर्स इन रोल्स को प्ले करते हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है वहाँ की सोसाइटी पर, मोरालिटी पर, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स पर भी।
और 1938 में डीसी कॉमिक्स ने सुपरमैन के थ्रू ही कंसेप्ट लॉन्च किया था। और आज डीसी और मार्वल कॉमिक्स सबसे इन्फ्लुएंशियल और फेमस जो सुपर हीरो कैरेक्टर्स है वो ओन करती हैं। शक्तिमान का जो कैरेक्टर है वो सुपरमैन से बहुत इंस्पायर्ड दिखता है। सुपरमैन एक सिटी में एक रिपोर्टर की जॉब करता है और शक्तिमान कैमरामैन की जॉब करता है एक न्यूज़पेपर के लिए। लेकिन जो इंडिया में सुपर हीरो कंसेप्ट शुरू हुआ वो बहुत नई बात नहीं थी इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत पहले से है। हमारी होली एपिक रामायण और महाभारत में बहुत सारे सुपर ह्यूमन कैरेक्टर्स ऑलरेडी दिखाए भी हुए हैं। इंडिया में पहली बार जो सोप ओपेरा आया धारावाहिक आया वो 1984 से 85 तक चला था, उसका नाम था हम लोग। और ये सोप ओपेरा की शुरुआत यूएस से हुई थी, बाद में फिर हर कंट्री में धीरे धीरे फैलने लगा। और जो ब्रिटिश सोप्स बने वो थोड़े रियलिस्टिक थे, लेकिन जो अमेरिकन थे वो मेलोड्रामेटिक थे, मतलब कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा ऐसा एग्जेजरेट कर देते हैं, थोड़ा क्या बहुत कर देते हैं। आपने देखा होगा इंडियन सोप्स में भी, वो भी इंडिया ने वही स्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है मेलोड्रामेटिक वाला। और जब कई नए नए जॉनर इनमें आ गए इंडिया में, ये पुराने हो गए इंडिया के लिए भी बहुत ये सोप ओपेरा स्टाइल, तो बाद में फिर रामायण और महाभारत भी टीवी पर इंट्रोड्यूस हुई पहली बार। 1987 में रामायण टीवी पर आई और 1988 में महाभारत। दूरदर्शन पर महाभारत कथा पूरे 20 महीनों तक आई और तब ये क्लेम किया गया था कि महाभारत की जो ऑडियंस है वो 300 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है। तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी पॉपुलैरिटी है इंडिया में इन शोज़ की। जब कभी हमारे दिमाग में महाभारत का नाम आता है या हम उसकी बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में भीष्म पितामह और श्री कृष्ण का नाम आता है, और ना आइए हो नहीं सकता। और श्री कृष्ण को महाभारत में मनुष्य रूप में दिखाया है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के साथ, जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स भी प्ले करते हैं। वो एक अप्रिशिएबल म्यूजिशियन है, डांसर हैं, ऑरेटर हैं, फाइटर भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं और फिलोसोफर भी हैं, जो बिना लड़े भी अर्जुन की विक्ट्री पक्की कर देते हैं पहले दिन से ही वो भी। और भीष्म पितामह जो कौरवों और पांडवों के ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर सेलिब्रेट रहने की प्लेज की है, मतलब कि ब्रह्मचर्य फॉलो करने की। और उनकी डेथ बेड का जो सीन है वो ये दिखाता है, उनको देख के लगता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी भर और आखिर में आकर डेथ बेड पर भी नो वन कैन बेयर दैट मच पेन एंड सोरो। और उस टाइम पर इतनी पॉपुलैरिटी इन शोज़ की थी कि जिसका किसी भी तरह से टीवी पर एक्सेस था, अपने घर में ना हो तो पड़ोसी के यहाँ हो, क्योंकि उस टाइम इतने टीवी होते भी नहीं थे लोगों के पास, तो अपने यहाँ ना हो तो पड़ोसी के यहाँ हो, वहाँ देख कर आएंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी हैबिट शक्तिमान ने कल्टीवेट की है बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों के पेरेंट्स ने कभी उन्हें शो देखने से रोका तक नहीं। मुकेश खन्ना सर ने वाकई में शक्तिमान प्रोग्राम के थ्रू बच्चों के मन में बहुत अच्छी आदतें कल्टीवेट की हैं, और इसी वजह से बच्चों के पेरेंट्स भी उनको इस टाइम स्लॉट में टीवी देखने से मना नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ देखते थे वो अलग। और मुकेश सर कहते हैं कि बच्चे एक क्लीन स्लेट की तरह होते हैं, आप एक क्लीन स्लेट पर कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे आप बच्चों के प्योर मन में कोई बात भी डाल सकते हैं, तो अगर वो कुछ भी सीख सकते हैं तो वो कुछ भी कुछ अच्छा ही होना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें अच्छी वैल्यूज़ ही सिखाएं। और मुकेश सर कहते हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगा एक बार सुनकर कि यूपी में कुछ जगहों पर शक्तिमान के नाम से जो बिटल क्विड होता है, गुटखा होता है, वो बिक रहा था, और दिल्ली में कुछ जगहों पर शक्तिमान विस्की बिक्री थी। कितनी गलत बात है ये, आपने कोई चीज़ तो दी नहीं है कि बहुत अच्छी खाने पीने की चीज़ हो, कि बहुत एनर्जी मिलेगी। हाँ, एनर्जी ड्रेन हो सकती है, वो बात अलग है, और जिस चीज़ का लोगों पर, खास करके बच्चों पर पॉजिटिव असर पड़ता हो, आप उस नाम का इतने गलत काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। अपने वैल्यूज़ को, अपने स्टैंडर्ड्स को इतना लो भी नहीं करना चाहिए। और उस टाइम पर शो को लेकर बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई थी, क्योंकि कुछ बच्चे छतों से कूदते थे और कुछ ने खुद को आग में जला लिया। उन्हें लगा शक्तिमान आकर उन्हें बचा लेगा, जबकि ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसा सच में होता होगा। लेकिन बाद में फिर शो के लास्ट में एक पार्ट दिखाने लगे, एक क्लिप दिखाने लगे इस चीज़ को लेकर कि शक्तिमान ये स्टंट्स खुद नहीं करता, ये सब कुछ फिक्शनल है, और आप उसके भरोसे ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको चोट लगे। लेकिन बाद में मुकेश खन्ना सर ने एक स्टेटमेंट दी कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फेक थी और शो को सिर्फ डिफेम करने के लिए फैलाई गई थी। खैर, आगे बात करते हैं हम। तो शक्तिमान ने बच्चों को ये तक सिखाया कि हमें किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ हम ऐसा करते हैं उस पर साइकोलॉजिकली बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए ऐसा बिहेव हमें किसी के साथ करना ही नहीं चाहिए। जैसे कि लेट 90s में क्या हुआ कि तब लेप्रोसी, जो एक स्किन और नर्व्स की प्रॉब्लम है, इसको कुष्ठ रोग कहते हैं वैसे, तो इस बीमारी को, वैसे ये क्यूरेबल है, लेकिन लोग समझते थे पता नहीं कौन सी नई बीमारी आ गई हो जिसका इलाज ही नहीं है कोई, ये क्यूरेबल है, पर लोग मानते नहीं थे। और इन इन्फेक्टेड लोगों के आसपास तो आना दूर की बात, लोग इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे। और तब एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये दिखाते हैं कि एक बच्चा है और वो ट्रेन के सामने जाकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लेप्रोसी से इन्फेक्टेड है और कोई उससे बात नहीं करता, उसका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन शक्तिमान आपको उसे बचा लेता है और जनरेशन को ये मैसेज देता है कि ये ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिससे आपको इतना डरना पड़े और आप उन लोगों से बात तक नहीं कर सकते। और इस शो में बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स तो ऐसे आते हैं जो कि रियल लाइफ में भी दुश्मन ही है हमारे,
जैसे कि कीटाणु मैन के थ्रू ये दिखाते हैं कि हाइजीनिक रहना बहुत जरूरी है, और प्लास्टिक मैन के थ्रू ये दिखाया गया कि आने वाले टाइम में, खैर ये स्टेटमेंट 90s की है कि आने वाले टाइम में, अब वो टाइम आ चुका है जब प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी दुश्मन बन चुकी है। हर साल बहुत मिलियन मरीन एनिमल्स मरते हैं इसलिए कि लोग बीचेस पर जाकर पानी में प्लास्टिक वेस्ट को फेंक देते हैं, और प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में कम से कम 20 साल और मैक्सिमम 500 साल लग जाते हैं। अब हमारे हाथ में खाली प्लास्टिक की बोतल बहुत बड़ा बोझ लगती है हमें कि डस्टबिन दिखे तो फटाफट इसे कहीं फेंक दें हम, लेकिन उस छुटकारे के लिए अगर हम उसे कभी गलती से बीच पर किसी पानी में फेंक देते हैं या कहीं ऐसी ओपन जगह पर फेंकते हैं जहाँ पर जानवर अपने लिए खाना ढूंढते रहते हैं, तो कई बार गलती से वो उसे खा भी लेते हैं और बहुत बीमार भी पड़ जाते हैं। जो लोग वॉलंटियरली काम करते हैं जानवरों के लिए, उनका इलाज भी करवाते हैं, वो दिखाते हैं बहुत बार कि उनके पेट से कई बार ऐसे प्लास्टिक की बोतल निकलती हैं, कभी प्लास्टिक की पॉलिथीन निकलती हैं। तो अगर पता चले हमें ये कि उनमें से एक बोतल या फिर एक पॉलिथीन हमारी फेंकी हुई है, तो कितना बड़ा गिल्ट हम पर आ जाएगा कि हमारी वजह से कोई शायद मर जाता। ये बहुत बड़ा गिल्ट है हमारे ऊपर, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अच्छा है कि जितना हो सके उतना कॉशियस हम पहले से ही रहें। अब प्लास्टिक की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए UNDP इंडिया और साथ में HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड साथ मिलकर ट्राई कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक है उसे रिसाइकल करके उससे सर्कुलर इकोनॉमी बनाई जा सके, मतलब कि रॉ मटेरियल को एक क्लोज लूप में रखकर जितनी बार हो सके उतनी बार यूज़ किया जा सके, ताकि जो नए प्लास्टिक आइटम बनाने की नीड है और डिमांड है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। खैर तो शो में दिखाते हैं कि शक्तिमान बच्चों को बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिखाता है और डिसिप्लिन के लेसन देता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन में आप क्या ही सिखा दोगे बच्चों को, लेकिन फिर भी उनके लिए फिलहाल यही काफ़ी है कि वो यूज़ करने के बाद लाइट्स ऑफ कर दें और टैप बंद कर दें। पानी तो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये कहते हैं कि बहुत हाई चांसेस हैं कि अगली जो वर्ल्ड वॉर होगी वो पानी को लेकर हो सकती है, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान का एक कन्फ्लिक्ट भी है इंडस रिवर को लेकर, और बाहर भी क्यों जाएं, हमारे खुद की कंट्री में स्टेट्स में डिस्प्यूट चल रहे हैं पानी को लेकर, जैसे कि हरियाणा और पंजाब में डिस्प्यूट है यमुना रिवर कैनाल को लेकर। अब ये देखिए कि ये जो स्टेट्स हैं ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आते हैं, और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो पानी इरीगेशन के लिए यूज़ होता है वो सीधा हिमालयाज की एवरग्रीन नदियों से आता है, जहाँ पर साल के 12 महीने पानी होता है, वहाँ पर भी पानी को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का इस बारे में एक गाना भी आया था, पर तब यूट्यूब ने उसे बैन कर दिया था। अब देखिए कि उस टाइम पर 90s किड्स के दिमाग में शक्तिमान कितनी अच्छी हैबिट्स इनकलकेट कर रहा था पानी वेस्ट ना करने की, और जो बातें हमारे लिए बहुत छोटी हैं कि पानी वेस्ट मत करो, लाइट बचाओ, ये वो, ये बातें हमारे लिए छोटी हैं, पर अपने बच्चों को पेरेंट्स ये बातें सिखा नहीं पाते जल्दी से। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि चलो समझ में आता है पानी का केस तो, और प्लास्टिक का भी आता है, लेकिन वाकई में बहुत छोटे चेंजेस अपने हैबिट में लेके आने से कोई ट्रेमेंडस चेंज आ सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल आ सकता है। और कहानी शुरू होती है UK की एक साइकिलिंग टीम से, जो बिल्कुल एवरेज टीम से एक्सपर्ट बन गई बहुत कम टाइम में, और वो भी बहुत छोटी हैबिट्स को फॉलो करते करते। पहले इस टीम का इतना बुरा हाल था, ऐसी हालत थी कि बहुत सारी साइकिलिंग कंपनीज तो इनको अपनी साइकिल तक बेचती नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि इतनी एवरेज टीम है, मुश्किल है बहुत जीतना, और अगर हार गए तो हमारी तो इमेज गई पानी में इसीलिए। लेकिन बाद में फिर इस बिल्कुल एवरेज टीम को स्किल्ड बनाने का काम फिर डेव बेल्सफोर्ड को दिया, वो ब्रिटेन के एक साइकिलिंग कोच है, और उन्होंने टीम की हर छोटी से बड़ी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया अच्छे से, और बाद में उनके लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की। अब उनका फाइनल टास्क क्या था, उनको इस बिल्कुल एवरेज टीम को बनाना था एक स्किल्ड टीम, लेकिन इसके लिए उन्होंने इसको एज अ होल ना देखकर और एक पूरी लंबी प्रोसेस ना देखकर उन्होंने इसे पार्ट्स में तोड़ दिया। इसे कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेंस, कि टास्क कंप्लीट करते करते आखिर में एक बड़ा गोल अचीव करना। जैसे कि अगर हमें एक किताब खत्म करनी है पढ़ के, तो हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, और चैप्टर खत्म करने के लिए टॉपिक्स वन बाय वन पढ़ेंगे, ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही उन्हें टास्क कंप्लीट करते करते आखिर में एक बड़ा गोल अचीव करना था, और इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व की उन्होंने और उन पर इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया, जिन पर जनरली कभी ध्यान भी नहीं जाता। जैसे कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टायर्स की ग्रिप सही नहीं बन रही, तो ग्रिप के लिए अल्कोहल लगाने शुरू की टायर्स पे, और डॉक्टर से कंसल्ट भी किया। डॉक्टर ने टीम के हर मेंबर को सही से सोने के पोस्टर्स बताए, यहाँ तक कि बहुत छोटी चीज हाथ धोना तक सिखाया, ताकि कोई बीमारी प्लेयर्स तक ना पहुँचे छोटी मोटी भी। अब सुनने में चीज़ें कितनी छोटी लग रही हैं ये, और इफेक्टिव भी नहीं लग रही, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी आदतों ने इस बिल्कुल एवरेज टीम को इतना शार्पली फोकस्ड बना दिया कि 10 सालों में 66 ओलंपिक मेडल्स जीते इस टीम ने, और 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के विनर भी बनी। और ब्रिटिश टीम से एक बात याद आई कि इंडिया को वेस्टर्न मीडिया उतना अच्छा नहीं मानता, और इस चीज़ का लेटेस्ट एग्जाम्पल है HDR रिपोर्ट। अभी कुछ टाइम पहले वेस्टर्न एजेंसी ने HDR रिपोर्ट पब्लिश की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और उसमें 132 रैंक है इंडिया की 191 कंट्रीज में से, ठीक है। लेकिन श्रीलंका जो डेट ट्रैप में इतना बुरा फंसा हुआ है, उसकी रैंक इंडिया से बहुत ऊपर है, 73rd रैंक है उसकी,
और बांग्लादेश में इकोनॉमिक स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन उसकी रैंक है 129। दोनों की रैंक इंडिया से ऊपर है। कम से कम इतनी तो फेंको कि कोई लपेट भी सके उसे, ये तो मानने वाली बात ही नहीं हुई बिल्कुल। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 161 है 180 कंट्रीज में से, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान की 152 है। मतलब कुछ भी। अब बताओ, अफगानिस्तान में प्रेस को ज़्यादा फ्रीडम है कि इंडिया से? मतलब कुछ भी छाप रहे हैं, छापना है तो। इतना बायस है एक तो ये वेस्टर्न मीडिया, और इतना प्रोपेगेंडा करता है इंडिया के लिए। कभी ज़रूर बात करेंगे हम इस बारे में भी, लेकिन ये बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईयर 2000 में शक्तिमान ने वेस्टर्न मीडिया से भी तारीफ करवा दी अपनी। वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर शक्तिमान का, या फिर अगर इनडायरेक्टली देखें तो मुकेश खन्ना सर का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है इंडियन किड्स पर, ये दिखाया गया था। और हर दिन शो के एंड में भी एक क्लिप दिखाते थे जिसमें कोई बच्चा कोई गलती करता और शक्तिमान उसको रोकता था आकर अपने आइकॉनिक डायलॉग के साथ। जैसे कि वो कहता फॉर एग्जांपल कि ठहरो, तुम्हें किसी का मजाक इस तरह नहीं बनाना चाहिए, दूसरे इंसान को इससे ठेस पहुंचती है। और बच्चे रिप्लाई में कहते थे सॉरी शक्तिमान। और जो बच्चे टीवी में ये सब कुछ देखते थे उन पर इसका असर इस तरह पड़ता था कि वो सामने वाले उस बच्चे में खुद को ढूंढते थे कि अगर यही सेम गलती मैं करता हूँ तो शक्तिमान मुझसे भी नाराज हो जाएगा इसी तरह से, इसीलिए वो वही सेम गलतियाँ करने से बचते भी थे। और ये बातें आज इस एज में हमें बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन उस टाइम पर 90s में बच्चे वाकई में शक्तिमान की बातें मानते भी थे। और 1992 में ब्राजील की एक सिटी रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ, और वहाँ यूएन ने एनवायरमेंट में बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को एड्रेस किया। और बाद में शक्तिमान की एंट्री जब इंडिया में हुई तो उसने भी एफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया ताकि बच्चों को बचपन से ही एनवायरनमेंट से प्यार हो जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो समझें, एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस को समझें। शक्तिमान के इसी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की वजह से शक्तिमान के बाद इंडियंस के लिए तो खासकर ऐसा कोई सुपर हीरो हुआ ही नहीं जो कि इतनी अच्छी हैबिट बच्चों के दिमाग में इनकलकेट करने के आइडिया में सक्सेसफुल हुआ हो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी थी, और अगर दूसरी बार चैनल पर आप आए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखें।